अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे मसाजिद और दूसरे मजाहब की इबादतगाहों के मुतलक। आज 3 अप्रैल 2021 हफ्ते का दिन है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड अकाफ ने अनाउंसमेंट कर दी है कि टेंपल और चर्च जो है आज शाम के बाद बंद कर दिए जाएंगे और अगले नोटिस तक बंद रहेंगे। तमाम तरह की गैदरिंग जो है वो उन पर पाबंदी रहेगी, जबकि मस्जिद के बारे में अभी कोई भी हतमी ऐलान नहीं किया गया कि आने वाले दिनों में मस्जिद जो है वो मुकम्मल बंद की जाएंगी। और ये भी कि नमाज तरावी का, क्योंकि रमजान शरीफ जो है करीब करीब है इंशाल्लाह ताला खैर, तो नमाज तरावी के लिए जो है इजाज़त दी जाती है नहीं दी जाती, इसके मतलब भी अभी तक कोई भी वाजह अनाउंसमेंट नहीं की गई। अब अभी तक जो है जो मस्जिद के मतलब जो पहले था कानून के सिर्फ स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ जो है, यानी सेफ डिस्टेंस के साथ जो है लोग नमाज अदा कर सकते हैं और प्रेयर मैट जो है वो भी लोग अपना घर से लेके जाते हैं। सो दुआ करें कि ये कोरोना की वबा ख़त्म हो, मस्जिद भी जो है 100% ओपन हो, हम सब को मस्जिद में जाके नमाज जुमा तरावी दीगर नमाजें इबादत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और इजाज़त हो इंशाल्लाह ताला खैर, और दीगर मजाहब की इबादतगाहें भी ओपन हो। अपना ख्याल रखिएगा। मजीद खबरें जानने के लिए हमारा चैनल विजिट करते रहें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।